दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और LIC मेंस का एग्जाम जो है बिल्कुल एज पर चल रहा है, मुश्किल से हमारे पास में 8-10 दिन बचे हुए हैं, आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको 2-3 चीजें यहां पर बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इसेंशियल इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पहले आप ये देख लें कि इस एग्जामिनेशन में जो सिलेक्शन लेने के लिए जो बेस चीज है वो आपकी क्या है। बेस दोस्तों आपका है करंट अफेयर्स। ठीक है, आप करंट अफेयर्स में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी ही अच्छी आप मेरिट के करीब में पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और वैकेंसीज अगर आप देखें तो वो भी काफी अच्छी है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन आप डेली करंट अफेयर्स पढ़े और करंट अफेयर्स में जितना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे वो आपकी मेन आपको लीड करेगा, आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट मैं यहां पर बताना चाहूंगा, जो लोगों ने मुझसे बार बार पूछा कि सर करंट अफेयर्स कितने मंथ का पढ़ा जाए और उसमें इंश्योरेंस के कितने मार्क्स होंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या होगा, तो वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। देखो, जिस तरीके से आप अदर एग्जाम की तैयारी करते हो तो करंट अफेयर्स का हम पुराना अगर स्टेट देखें तो 6 महीने के आसपास में 90% क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। कोई रेयरली एग्जाम ऐसा हो जिसमें 8 महीने 1 साल का पूछा गया हो। वैसे बैंकिंग में लगभग अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो लगभग 6 महीने के आसपास का चलता है। ठीक है, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना। ओके, उसको छोड़कर मत एग्जाम को देने जाना। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन वहां पर आ जाएगा, तो पिछले 6 महीनों का अगर आप बैकट्रैक रखोगे तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज इंश्योरेंस अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, इंश्योरेंस के कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो, इंश्योरेंस के मुझे लग रहा है कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब एक पैटर्न ये है कि पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो कि LIC असिस्टेंट में जो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम पहले ये मेंस का एग्जाम इसका हुआ था तो कई सालों के बाद ये वैकेंसी आई है। तो LIC AO में जो इंश्योरेंस का मॉडल था, ADO में था, तो उन क्वेश्चंस को आप गूगल पे सर्च करके ढूंढो, क्योंकि वहां से थोड़ा सा आप लिंक कर पाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आजकल मॉडर्न टाइम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके लिए खुद होगी कि आप चीजों को गूगल पे सर्च करके प्रीवियस ईयर के LIC AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाला पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन, ADO ठीक है डेवलपमेंट ऑफिसर वाला उसके क्वेश्चन, तो एक बार इंश्योरेंस के उसके क्वेश्चन करके जाओ। फिर मैं बता दूं कि फाइनेंशियल लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या बैंकिंग का कोर मॉडल पूछा जाएगा। देखो, बैंकिंग की कोर न्यूज क्या है कि पहले तो आप RBI की मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लो, आपसे पूछा जा सकता है। बैंकिंग के एक्ट जो है वो भी मे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम जो है आपका बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर से, तो कुछ क्वेश्चन आपके RBI या फिर किसी जैसे अगर मैं बात करूं कि जो इंश्योरेंस है इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी, IRDAI। ठीक है, तो इसके बारे में आप पूरी तरीके से पढ़ लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी तरीके से कोई चेंजेस हो रहा है, ठीक है, GDP ग्रोथ कितनी चल रही है और जगह क्या प्रेडिक्शन है, किसने कितना प्रेडिक्ट किया, ये चीजें आप पढ़ लो, ये सब आपका फाइनेंशियल में आ जाता है। जो फाइनेंशियल न्यूज है आज के समय की ये इंपॉर्टेंट है और इससे आपको क्वेश्चन दोस्तों करने पड़ेंगे। बाकी इसके अलावा 2-3 चीजें और भी हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके वाला आपका पोर्शन हो जाता है। स्टैटिक जीके में अगर मैं बात करूं कि आपसे डैम पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, टेम्पल कभी कभी पूछ लेता है, कौन से रिवर पर कौन सा स्टेट है, ठीक है, या फिर ये टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, ठीक है, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। और कई बार 1-2 क्वेश्चन बिलीव मी गाइस कि वो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के भी आ जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हुए थे उसमें ये चीज हमें देखने को मिली थी कि कुछ क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से रिलेटेड थे। ठीक है, तो वेल प्रिपेयर्ड है ना, वो 1-2 क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप 6 महीने का GA और कुछ इंश्योरेंस के PDF कैप्सूल समथिंग पढ़ जाओगे उससे आपको मदद मिलेगी। आप सिंपली क्या करो कि ऑलिव बोर्ड का इंश्योरेंस का पेपर है, ठीक है, इंश्योरेंस का PDF उन्होंने एक बनाया हुआ है, आप गूगल पे सर्च करो ऑलिव बोर्ड इंश्योरेंस PDF आपको मिल जाएगा, और साथ में इनके 5 मॉक टेस्ट आ रहे हैं, इन 5 मॉक टेस्ट को भी आप दो, क्योंकि आजकल मार्केट में 5-5 मॉक टेस्ट ही लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो आप 2-3 कंपनी के होंगे ना तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर पाओगे और उनको सबमिट करके देख सकते हो, अगर आपके पास प्रीमियम पैक है, ठीक है, तो आप उनको एक बार फॉलो कर सकते हो। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने ये मॉक टेस्ट ले रखा है तो क्या इस मॉक टेस्ट को लेना जरूरी है क्या। देखो, आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आप सॉल्व करोगे तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार ऑलिव बोर्ड की साइट पर जाओ, उनका मॉक टेस्ट इसको भी फॉलो करके देखो, इंश्योरेंस वाला, ठीक है, LIC असिस्टेंट के लिए। बाकी ये वाला सेगमेंट आपका हो जाता है। इसके बाद एक चीज कई लोगों के मन में एक ख्याल आया कि सर ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि क्या एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट होने चाहिए, क्या गुड अटेम्प्ट होने चाहिए। तो देखो, LIC एग्जाम के लिए अगर आप गुड अटेम्प्ट के बारे में पूछना चाहोगे तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो।
देखो कई बार हमें ये समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम के लिए पहले से प्री डिफाइंड कट ऑफ है, तो 16 है किसी में 18 है, ठीक है, ये जो प्री डिफाइंड कट ऑफ है ये तो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि सर गुड अटेम्प्ट कितने होंगे, तो अगर मैं आपको कह दूं कि 100 मार्क्स का सपोज कर लो पेपर है और मैं पहले से आपको गुड अटेम्प्ट बता दूं कि 75 है, 60 गुड होगा, अगर पेपर का लेवल बहुत इजी आया तो लोग ज्यादा बनाकर आएंगे ना। तो गुड अटेम्प्ट कुछ भी नहीं होता एग्जाम के कंसर्न, सीधी सी बात है, पेपर आपको वहां तक बनाना है जहां तक आपको पेपर आता है। अगर पेपर बहुत टफ है, नहीं बन रहा है, तो जबरदस्ती का पेपर नहीं बनाना होता है। अगर पेपर आपका आसान है तो वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, ठीक है। तो गुड अटेम्प्ट के बारे में तो कोई भी कुछ चीजें नहीं पूछ सकते, ठीक है। निगेटिव मार्किंग के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि नोटिफिकेशन में जो चीज मेंशन है, ठीक है, वही चीज केवल होगी। अगर किस तरीके से कोई चीज मेंशन नहीं है तो उसको अपने आप से एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। जितना दिया है, जो बताया गया है, वही चीज होने वाली है। अगर एग्जाम में मेंशन नहीं है तो नहीं होगी, अगर मेंशन है तो बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये चीज आप नोटिफिकेशन में भी एक बार देख लेना, ओके। बाकी कई बार कुछ लोगों के डाउट ये भी आ रहे थे कि सर क्वांट सेक्शन किस लेवल का आएगा और क्या क्या पूछा सकता है। देखो जो क्लरिकल मेंस की अगर मैं बात करूं तो उसी के समथिंग लेवल का ये क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि एलआईसी असिस्टेंट जो है ये क्लरिकल लेवल की पोस्ट है। तो अगर आपने एसबीआई क्लर्क मेंस का अगर आपने दिया है मॉक टेस्ट, आपने सॉल्व किए होंगे, तो आप उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करो, आपके पास जो भी मॉक टेस्ट हो, ठीक है। अगर एज्यूम करो आपने ओलिव बोर्ड को परचेस कर रखा है, तो आप ओलिव बोर्ड के जो भी क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट है आप उनको बनाओ, ठीक है, उनसे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बाकी आपको असिस्टेंट मेंस लेवल के समथिंग के लेवल को टच करना है। मैं ये जरूर कहूंगा कि पीओ के लेवल की अगर मैं बात करूं, देखो पीओ का लेवल एक्सट्रीमली अच्छा होता है। अगर आईबीएस पीओ की बात करूं, एसबीआई पीओ की बात करूं, तो इसकी रीजनिंग और इसकी क्वांट उठाओगे तो एक डिफरेंट लेवल देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में इतनी सारी चीज नहीं होती, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेशन में होते हैं इजी टू मॉडरेट में, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल फैक्ट है। तो क्वांट में क्या करना है, देखो क्वांट में आपके 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के देखने को मिलेंगे, लगभग 3 डीआई नियर अबाउट आपको देखने को मिल सकते हैं, केसलेट डीआई भी आ सकता है, मिक्स डीआई भी आपका आ सकता है। बाकी क्वांटिटी के क्वेश्चन आप करके जाओ, Q1 Q2 बेस, ठीक है, कि क्वांटिटी कंपेरिजन करने का क्वेश्चन आए, 5 नंबर का डेटा सफिशियंसी आ सकता है, मे बी नंबर सीरीज का काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल सकता है, ये चीजें हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये प्री के टॉपिक है, बेसिकली मेंस में इन टॉपिक को अवॉइड किया जाता है, जो टॉपिक प्री में नहीं पूछे जाते उनको हम लोग मेंस में एग्जामिनेशन कंसर्न से रखा जाता है, ठीक है। तो आजकल के एग्जामिनेशन में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। बाकी पता नहीं क्या पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं एग्जैक्टली मालूम कि 100% क्या आएगा, बस एक एक्सपेक्टेशन होती है प्रीवियस ट्रेंड के आधार पर, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सेम पैटर्न रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में भी मैक्सिमम लेवल पे अगर आप देखें तो पजल्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। पजल्स में भी टाइप है, जैसे कि रेक्टेंगल वाली पजल कर लो जिसमें 8 लोग होते हैं, 4 कॉर्नर्स पर बैठते हैं, 4 मिडिल में बैठते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस डे बेस पजल, मंथ बेस पजल, ईयर बेस पजल, बॉक्स पजल, लीनियर लाइन में 12 लोग बैठते हैं, ठीक है, एक ही सिंगल लाइन में फेसिंग नॉर्थ करके, या 2 लाइन में, ठीक है, नॉर्थ फेस साउथ फेस, 6-6 लोग बैठते हैं, 4-4 लोग बैठते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। फर्क क्या होता है, ये क्वेश्चन प्री में भी आते हैं, लेकिन प्री और मेंस के क्वेश्चन में फर्क इतना होता है, मेंस के क्वेश्चन में दोस्तों वेरिएबल दिए होते हैं, 2 से 3 वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल आएंगे तो मेंस लेवल की पजल हो जाएगी, क्योंकि आपको ज्यादा कॉम्बिनेशन सेट करने, ज्यादा पॉसिबिलिटीज वहां पर हो जाती है, तो ये 2-3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई होप जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल फैक्ट ऑन प्रीवियस जो ट्रेंड्स है उसके ऊपर ही बेस्ड है दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 आपके 3 सेक्शन हो चुके हैं। बाकी इंग्लिश वाला सेक्शन कैसा होगा, देखो इंग्लिश का सेक्शन आपका एज यूजुअल जैसे अदर एग्जाम्स में होता है, लाइक आपका आरसी पूछा जाएगा, क्लॉज टेस्ट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, मे बी एरर्स के लगभग 5 या 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, फिलर्स आपके हो सकते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ में आपका पेपर बनेगा इंग्लिश का। आप पेशेंस रखना और कोशिश करना कि आरसी को पढ़कर आप बनाओ, ताकि वहां पर 100% सिक्योर आपके अच्छे मार्क्स बन पाए, क्योंकि आरसी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप दोस्तों पढ़कर काफी अच्छी तरीके से बना सकते हो, ठीक है, एक आपका एसआईट हो जाएगा। बाकी हिंदी के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि गद्यांश कैसा होता है, क्रमबद्ध तरीके से कैसे आपको अरेंज करना है, मुहावरे क्या पूछे जाते हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाएं और जाकर अभी रिसेंट अपलोड में देख सकते हैं कि हिंदी का पेपर एलआईसी में कैसा आ सकता है, वो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप एटलीस्ट फॉर्म माइक जो है 5 मॉक टेस्ट जो है ऑलिव बोर्ड के 2, अदर आपके पास सेट है उनको भी 5 बनाओ, ताकि आपको हिंदी के लेवल भी पता चल जाए।
देखो दो तीन रीजन है जहां पर हिंदी नहीं पूछी जाएगी, वो आपके अदर रीजन, जैसे साउथ रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, ठीक है, तो यहां पर हिंदी नहीं आएगी। लेकिन जो यूपी, बिहार, दिल्ली इधर के रीजन है, इसमें इनके 5 सेट सेक्शन होंगे 40-40 नंबर के, वहां पर 50-50 के केवल 4 सेक्शन होंगे, क्योंकि वहां पर हिंदी का कोई वजूद नहीं है। ओके, तो मेंस में हिंदी इन रीजन में रखी गई है। ओके, वो अगर आप अपना अपना जिस एरिया का नोटिफिकेशन होगा अगर आप देखोगे जिस डिविजन का, तो वहां पर आपको क्लियरली मेंस के पैटर्न में मेंशन है, वही पैटर्न आपका दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारे लोगों के डाउट थे जो एक ही वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे जरूर पूछें। हाँ, एक बात और, जो लोग एग्जाम पोस्टपोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो असम रीजन, वेस्ट बंगाल रीजन, यहां पर मेजर इफेक्ट देखने को मिले हैं, ठीक है, जो इस सीएबी बिल के हैं। तो क्या है कि अगर किसी तरीके से यहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी या फिर यहां पर कर्फ्यू लगा रहेगा, तो यहां पर एग्जाम तो कंडक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कमीशन क्या करेगा, केवल इन्हीं जगह का एग्जाम जो शिफ्ट कर सकता है, बाकी और लोग जो है दिवाली ना मनाए, और जगह का एग्जाम एज यूजुअल ऑन द टाइम होगा। ठीक है, यही मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो भी टाइम है, क्रूशियल टाइम है, डेली बेसिस पर डेली प्रैक्टिस करो, जितना भी टाइम है डेली मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, करंट अफेयर्स बनाओ, अपने आप को इंडल्ज रखो इन सारी चीजों में, ताकि आप इस तरीके से काफी अच्छा वहां पर परफॉर्म कर पाए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे तो उनको क्लियर भी करना था। और फिर मिलेंगे जल्दी। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।